आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्ड फाइल म्यूजिक नेम इसका मेरे मुस्कान पे सेंड कर दो। ये आ गया स्टार्ट तो नहीं हुआ अभी वो स्टार्टिंग यार देख लेना उसकी। हाँ स्टार्ट हो गया स्टार्ट हो गया ऐसे नहीं नेम करेंगे टेक्सचर से जो मर्जी आप जो आपको समझ में आए वही कर दें यार इनको मेन मेन्यू का बना के देना सारा आपने ठीक है यार। अच्छा ये ओपन कर लिया वो कहाँ रखे हैं ग्राफिक्स इमेज के इमेजेस ड्राइव में जाएँ कौन सी स्टडी डेटा में जाएंगे ये सारे पड़े हैं ना मेन्यू वाला ये फिलहाल। हाँ एक ये उठा लेते हैं बैठ जो ये जो पुराने तरीके से बना हुआ ये यूनिटी लेटेस्ट जो है ना उसने बहुत आसान कर दिया है वरना ये जो अगर 4.5 में काम करते हैं ना ये 4.5 प्रोग्रामिकली सारे ये चीज़ें ड्रॉ करनी पड़ती इस वजह से। अच्छा ये यहाँ से ओपन किया था टेक्सचर का ये फोल्डर ये हम कर देते हैं पेज ठीक है आ गया ये इमेज में भी ये लोड करके ना यूनिटी अपने पास भी ले आएगा। इसमें वो फिर मैंने आपसे कहा था ये स्प्राइट मांगता है ठीक है ना तो यहाँ कंट्रोल सालों को ना स्प्राइट में कन्वर्ट कर ठीक है ये चेक एंड चेक कर दीजिएगा ताकि ये कि ग्राफिक्स क्लियर वादे हो जाए वरना ये होता है ब्लरनेस आ जाती है ये चेक जो है। हाँ जी ये मिनी मैप का मिप मैप का। अच्छा अब ये आ गया अब बनाते हैं मेन मेन्यू ये UI पहले बना लेंगे पैनल ये कैनवास अपना आप ही ले आता है क्योंकि कैनवास तो पेरेंट बनता है ना सबका ठीक है। अब यहाँ पे वो खुद ब खुद ही मांगते हैं कोई इमेज दो ठीक है बैकग्राउंड की पैनल लोगे तो ये बैकग्राउंड इमेज खुद ब खुद ही आ जाएगी वरना आप इमेज अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं। स्पीड थोड़ी सी स्लो रखनी है ठीक है जनाब थोड़ी सी। अच्छा ये इमेज उठा के मेन मैंने वीडियो डाल देंगे यहाँ ट्रांसपेरेंसी इसकी ज़रा डिम है आ गया ये अब यहाँ से ये ना सेट कर लीजिए ये होता है डिवाइस का साइज यहाँ से हम जो जिस डिवाइस का रखना चाहें कितने बाय कितने की ये यहाँ से अपना वेट और हाइट देंगे डिवाइस की जैसे मुख्तलिफ डिवाइस की मुख्तलिफ होती हैं यहाँ अपनी तरफ से भी आप सेट कर सकते हैं मोबाइल के लिए बना रहे हो या अब जैसे के लिए बना रहे हो एक नॉर्मल मोबाइल की होती है 480x800 वो यहाँ आप सेट करेंगे यहाँ वो आ जाएगी फिर आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली वही व्यू सामने आ जाएगा आप डिजाइन 800 480 वाली इनको सेलेक्ट कर देना ये आ गया। हाँ क्योंकि हमारे पास मैंने इमेजेस भी 480 वही दिया ना 80 और 480 आ जाएगा 480 हम करेंगे 800x480 हाँ क्योंकि हमने लैंडस्केप में बना दिए गेम ना ठीक है ये 800 480 ठीक है ओके ये अब आ गया ठीक है अब उसके हिसाब से परफेक्ट है वैसे वो इस तरह नजर आ रहा था ना वो अब ये है कि समझ लेगा सिमुलेटर बन गया मोबाइल के व्यू बन गए ठीक है। अब आपने बटन ऐड करना है तो यहाँ वही राइट क्लिक यहाँ बेहतर जो करना है वो गेम में करना है या सीन में आप एडिट कर सकते हैं गेम में सिर्फ शो कर सकते हैं यहाँ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते यानी सेव नहीं होगी अगर आप प्ले के दौरान भी करेंगे इसमें आपको ना बटन को हिला सकते हैं इधर से इसमें आप जो मर्जी कर सकते हैं ये देखिए ये डबल क्लिक करेंगे ये उसके ऊपर चला जाएगा ये एफ दबाएं या डबल क्लिक से ना ये ऑटोमेटिक ना ये यहाँ से हम एडिट करके ना कोई भी सीन को ना वो कर सकते हैं ये यहाँ 2D मोड में है क्योंकि मेन्यू 2D मोड में बस ये बता दो किससे ज़ूम करते हो आप ये आल्ट और राइट क्लिक करके ना ये या वहाँ तो होगा माउस से तो ये हो जाएगा ये वरना यहाँ से यूँ कर दे आल्ट और ये राइट क्लिक राइट क्लिक ये आ गया सामने भी वो आ गया आपके लिए रिपीट दोबारा अच्छा अब ये आ जाएगा मेन मेन्यू में इसे दे देते हैं इसमें ना एक हम जब चीज में करते हैं ना वो इस तरह शो करती है ये मेन मेन्यू का यहाँ नाम भी दे रहे हैं ना ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। अब हम ऐड करते हैं प्ले बटन ठीक है यहाँ से इमेज है अगर इमेज ऐड करना चाहें तो इमेज टेक्स्ट बाद में लिख लें वरना बटन के अंदर ये दोनों सहूलियात मौजूद हैं यहाँ लिख देते हैं प्ले ये ना सीन के अंदर बिल्कुल डायरेक्टली ले गए हैं इसमें कोई है कोई इस तरह डिफरेंस के वो इस तरह है इस तरह ठीक है। अच्छा ये आ गया अब पहले इसे करते हैं आप मल्टीपल स्क्रीन के लिए यानी कि ये स्क्रीन की रोशनी के हिसाब से करते हैं तो यहाँ पहले इसे फुल स्क्रीन करके ये 0-0 करते हैं ठीक है या सारी स्क्रीन पे आ जाएगा ये W दबाएंगे यहाँ से ना ये W इससे ये होगा कि ये जो होती है ना फोकस इस पर आ जाता है फिर ये शिफ्ट करके ना इसे रिसाइज कर सकते हैं ठीक है और कंट्रोल दबा के साथ इसे रिपोजिशन कर सकते हैं ठीक है यहाँ से रिसाइज करके ये रिपोजिशन जहाँ रखनी हो आपने ठीक है यहाँ आ गई शिफ्ट था कंट्रोल शिफ्ट शिफ्ट से होता है रिसाइज कंट्रोल शिफ्ट से मूव कर सकते हैं ये दो दबा के
ये यहाँ से जहाँ भी आपने मूव करना हो, रिसाइज करना हो, खाली शिफ्ट दबाएं, ये रिसाइज करेगा। ठीक है, ये सेव कर लिया। ये सीन भी सेव करने का तरीका बताया था, सीन भी कर लें, यहाँ कर लें मेन मेन्यू। ठीक है, अब वो कहेगा एसिड में कहाँ करना चाहते हैं आप। अगर नया फोल्डर बना के सीन का बना दें वहाँ भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं। अब यहाँ करेंगे, ये देखें एसिड में जाएंगे, ये सीन बाहर आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ बटन ऐड कर लेते हैं, कोई सा भी ऐड कर लें, ये स्टार्ट का। ठीक है, अच्छा ये आ गया इधर बटन। ठीक है, अब इसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो हमें इसके अंदर टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है, वो डिलीट कर दें। ये आ गया, ठीक है, ये हो गया डिलीट। अब ये होता है कि प्रेस स्टेट भी इसकी अगर चाहते हैं तो ये होता है नीचे बटन के अंदर ऑप्शन होती है। ये ट्रांजेक्शन तीन होती है, कलर की करनी है, इमेज की करनी है, एनिमेशन की करनी है। मैं चाहता हूँ ये स्प्राइट की करनी है। यहाँ फिर मांगता है यानी कि नॉर्मल स्टेट कौन सी चाहिए आपको और प्रेस स्टेट कौन सी चाहिए। इसकी दोनों बनी हुई हैं, इस वजह से ये दोनों आ गई। ठीक है, अब ये फ़ायदा होगा जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे स्क्रिप्ट में खुद ब खुद यानी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक प्रेस वो करेगा। ये रन करेंगे ना, ये प्रेस किया, देखिए स्टेट चेंज हो गई ना। ये यानी कि मांगता है कि आपने हाईलाइट स्टेट होगी जो नॉर्मल स्टेट है और प्रेस स्टेट होगी जो उसकी प्रेस स्टेट होगी। ठीक है ना, ये हो गया। अब आते हैं स्क्रिप्टिंग पे। ठीक है, यहाँ एक और देवता है, या तो इसी में स्क्रिप्ट लगा लें या यहाँ एक नया ऑब्जेक्ट बना लें, एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी ये मेन सीन में ना यहाँ आ जाए, एम्प्टी ऑब्जेक्ट बन गया। इसे कह दें ये मेन्यू कंट्रोलर के नाम से ना, यानी पूरी मेन्यू की जो भी कोडिंग होगी ना वो इसी ऑब्जेक्ट के अंदर होगी। ये भी बताओ जो इनको रीनेम किया आपने कि F2 है। ठीक है, अच्छा ये आ गया। अब यहाँ ये एक स्क्रिप्ट लगाते हैं कस्टम बटन क्लिक की, पहले ये नाम दे देते हैं। ठीक है, सी शाम में बनाते हैं। ये आ गया यू। ठीक है, अब ये आ गई। अब इसके अंदर हम फंक्शन बनाएंगे जो बटन, ये क्योंकि ये बटन कॉल करता है फंक्शन को, किसी भी क्लास के कोई फंक्शन को कॉल कर सकता है बस, और यानी कि और ये कोई इसके बिल्टन फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते हम। जो हम डिफाइन करेंगे सिर्फ वही फंक्शन क्लास का ना वो कॉल होगा। अच्छा, यहाँ पहले हम बनाएंगे ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन, इसको डबल क्लिक करने से। हाँ, डबल क्लिक करने से कर लें, या ये होता है ये स्क्रिप्ट जहाँ रखी है ना, एक मिनट ये ओपन कर लें। ये विजुअल स्टूडियो कर लिया आपने, हमने पहले किया हुआ था, सी शार्प पे काम कर रहे हैं। अच्छा, क्लास में सही सही, क्योंकि इसका अपना एडिटर होता है वो काम सही होता है इससे ना, तो वो पहुँच रहा है कि हम मतलब उसी को ओपन कर सकते हैं। ये भी है जरा वो हो जाए ना, ये भी चेक कर लेते हैं। ये देखें ये इसके डिफ़ॉल्ट फंक्शन आ जाते हैं, बाकी मैं चेक कर लेता हूँ ये उसका अपना डिफ़ॉल्ट लोड हो, क्योंकि ये ज़रा हैवी काम हो जाता है, बहुत हैवी है, उससे आसानी हो जाएगी। ये जाके प्रोजेक्ट सेटिंग, ये प्रेफरेंस में जाए, ये एक्सटर्नल टूल में, यहाँ हमने विजय स्टूडियो किया हुआ, मैं करता हूँ मोनो डिवेलपर। ठीक है, ये हो गया, सही है, हो गया। अब इसे करते हैं बंद, अब चेक करके देखते हैं। ठीक है, क्योंकि जब यूनिटी ने खुद कहा हुआ है उसके टूल ज़रा ये होता है कि तो फाइलें कम लोड होंगी, क्योंकि उसके विजुअल स्टूडियो की पहले फाइलें लोड होती हैं, ये यानी काफ़ी एक तो हैवी काम हो जाएगा सिस्टम के लिए भी और काम भी स्लो हो जाता है। ये देखें अब इसमें होगा, ये इसका यानी कि अपना है। हाँ, प्रैक्टिस तो अच्छी कर रहे हैं, करते रहें इंशाल्लाह हो जाएगा जल्दी काम। फिर आगे फिजिक्स करेंगे इंशाल्लाह ना, आस्ता आस्ता ना, अभी तो ये गुई पे काम किया ना। अब यहाँ हम अपना कोई फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, वो पब्लिक होना ज़रूरी है वरना एक्सेस नहीं देगा उधर। पब्लिक वॉइड बटन करीब, सही है स्क्रिप्ट, ये हो सकता अपना बिल्ट इन, मतलब हाँ कोई सा भी अपना बना सकते हैं आप, अपना नाम रख लें। हाँ, यूज़र डिफाइंड, ये तो बिल्ट इन वो है ना, ये खास मकसद के लिए कॉल होते हैं, ये वो होता है ये हम खुद कॉल करते हैं, ये चीज़ है। ये आ गया, अब यहाँ डिटेक्ट करने के लिए डिबग की ये कमांड है जो कंसोल में मैसेज प्रिंट कराती है। ठीक है, कंसोल का तो पता है ना, जावा में भी कंसोल वगैरह यूज़ करते रहे होंगे। यहाँ जो भी कर दें लिख दें आप बटन,